मनुष्य का आत्मा और उसका बुद्धि, उसकी योग्यता भगवान ने देवताओं से भी अधिक डाल दिया। आवाज आ रहा है? देवताओं के पास जो शक्ति है, बुद्धि है, योग्यता है, तो उससे अधिक योग्यता भगवान ने मनुष्य को दिया। दधीचि ऋषि के पास देवता आए, बोले हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं असुरों के साथ, भोग विलास में हमारी शक्ति क्षीण हो गई, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना शक्ति आशीर्वाद और तप बल के द्वारा चाहे तो हमें जिता सकते। उन्होंने बोला हमारा हाथ काट के ले जाओ और हड्डियों का अस्त्र बनाओ, अस्त्र में उतना प्रभाव नहीं है लेकिन मेरी तपस्या से बना हुआ अस्त्र है तो मेरी तपस्या विजयी हो। देवताओं को भी सहयोग करने वाले ऋषि, और वो ऋषि ऐसे एकांत में रह के तपस्या, एकांत बीज जब एकांत में होता है तो बीज में से पौधा हो जाता है, पौधे में से वृक्ष होकर अनेक बीज बना लेते। विद्यार्थी जब एकांत में अध्ययन करता है तो परीक्षा में सफल होता है। संत जब एकांत में चिंतन करते लाखों करोड़ों लोगों को तारने की शक्ति उनके भीतर बन जाती है। साधक जब एकांत में रहकर तपस्या करता है तो वही साधक सत शिष्य बनता है, सत शिष्य में से सदगुरु बनता है। गीता में भी एकांतवास की महिमा कही गई, एकांतवासो लघु भोजन। आज तो एकादशी का पावन दिवस है, मैं चाहता हूं कि आप सबको कर्ण ऋषि ने जहां तपस्या की, कर्ण ऋषि, वो कर्ण ऋषि ने जामुन के पेड़ के नीचे तपस्या की, वो मैसूर के पास है। और मैसूर नाम क्यों पड़ा? महिषासुर मर्दिनी आता है ना नाम, महिषासुर मर्दिनी भगवती। महिषासुर का वध जहां किया भगवती ने, वो है महिषासुर, इसलिए नाम मैसूर। कर्ण ऋषि ने जहां तपस्या किया उसके बगल में अपन ने जगह खरीदा, ये तो दूर है, वो शहर के पास।